ओके फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डेटा डेफिनेशंस की बात करेंगे हम आपसे आज, और साथ में हम बात करेंगे इमेज को कैसे इंसर्ट करते हैं वेब पेज पर। तो पहले हम लेकर चलते हैं डेटा डेफिनेशन, जिसमें हमारा डीटी और डीडी का यूज़ होता है। डेटा डेफिनेशन मीन्स डेफिनेशन लिस्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, डेफिनेशन लिस्ट। तो नाउ पहले हम देखते हैं डेफिनेशन लिस्ट होती क्या है, किस तरीके से हमारी वो काम करती है। तो वी विल जस्ट गेट अ मीनिंग ऑफ दैट डेफिनेशन लिस्ट। तो लेट्स सी क्या होता है हमारा डेफिनेशन लिस्ट। हैपनिंग सो मनी एग्जाम्पल लाइक डेफिनेशन लिस्ट, हमें कोई भी जब टर्म डिफाइन करना होता है, हम उसका मीनिंग बताना होता है, तो हम उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। तो हम उस लिस्ट के लिए क्या करते हैं, हमें डेफिनेशन के लिए हम डीटी लिखते हैं, डेफिनेशन टर्म। अब जो हमने हेडिंग लिखा है डेफिनेशन टर्म में, उसका डिस्क्रिप्शन हम डीडी के अंदर लिखते हैं। तो हमारी जो लिस्ट है जो स्टार्ट होती है वो डीएल से स्टार्ट होती है और डीएल पर क्लोज होती है। ओके, तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो लेट्स सी वी आर गोइंग टू स्टार्ट किस तरीके से हम करते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, एडवांटेज ऑफ इंटरनेट फॉर द स्टूडेंट फ्रॉम अ वेबसाइट, एक सिंपल वेबसाइट से हमने डायरेक्टली लिया हुआ है। तो विल जस्ट यूजिंग दिस इन्फॉर्मेशन एज अ डीटी, दिस यूज एज अ डीडी, डेफिनेशन टर्म और डेफिनेशन टर्म हम दोनों यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो लेट्स सी देखते हैं किस तरीके से हमारा काम करता है। आइए स्टार्ट करते हैं नोटपैड। वी विल चेंज द कोड लेटर। आई एम स्टार्टिंग द नोटपैड हियर। हाउ टू ओपन द नोटपैड, एज यू नो वी विल सर्च एंड ओपन दिस नाउ, सेम एज नाउ। HTML head title definition list title close then head close body, suppose attribute will be a busy color equal to gray, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन टर्म किस तरीके से लिखते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज DL। ओके, जब भी हम डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं, तो हमने अभी एक एग्जांपल दिखाया था, तो वी विल टेक द हेडिंग लाइक H1 एंड मेक दिस नाउ एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, दिस इज द हेडिंग वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब दिस नाउ। उसकी हम हेडिंग के साथ वॉक कर रहे हैं, पर कैसे करेंगे, डेफिनेशन लिस्ट के साथ करेंगे। H1 क्लोज, DL वी हैव स्टार्ट नाउ, ये हमारा कंटेनर टैग है। नाउ वी विल यूज़ द DT, तो वी विल मेक द कॉपी ऑफ डेटा नाउ। डायरेक्टली हम कॉपी कर लेते हैं DT लाइक असॉर्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैन DD डेटा डेफिनेशन, डेफिनेशन टर्म, ये भी हमारे कंटेनर है, हम इसको क्लोज कर सकते हैं। डेफिनेशन विल टेक लाइक दैट, कंट्रोल सी बी, क्लोज DD। नेक्स्ट वी हैव टू स्टार्ट DT। आपको पता है हमारा केस सेंसिटिव नहीं है, पहले हम आपको बता चुके हैं, ऑनलाइन मेडिकल गाइडेंस। DT क्लोज देन DD, वी आर टेकिंग द सेम कॉपी अगेन हियर फॉर दैट मीनिंग। DD क्लोज अगेन DT फॉर द नेक्स्ट टर्म डेफिनेशन, सेम एज वी कैन क्रिएट सो मैनी डेफिनेशन लिस्ट एज पर नाउ, जैसा भी हमें रिक्वायर्ड है, हम कई सारी डेफिनेशन लिस्ट तैयार कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं एज अ वेब पेज पर, जो भी आप दिखाना चाह रहे हो, डिफरेंट टर्म्स या एब्रिविएशन आप दिखाना चाहते हो इन इंग्लिश, या किसी फॉर्म में भी आप एब्रिविएशन शो करना चाहते हो,
तो आप विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन लिस्ट कर सकते हो। इससे ही हमने फोर टर्म ऐड कर लिए, एक टर्म और ले लेते हैं लाइक इंफॉर्मेशन, दो टर्म बचे हैं इन दोनों को ही ले लेते हैं। लास्ट टर्म ऑनलाइन ट्रेनिंग, अपडेटेड हम इमेजेस के वही डिस्कस करेंगे, हम इमेजेस कैसे इंसर्ट करते हैं। हमने कुछ डेफिनेशन टर्म्स यहाँ ले लिए हैं, अब हम क्या करेंगे जब हमारी डेटा लिस्ट तैयार हो जाएगी डेफिनेशन लिस्ट, तो भी आपके क्लोज द डीएल, then close the body and HTML. After that we will go for save this file, save, go for the locations like web page definition list dot html. अभी हम केवल सिंपल HTML वेब पेज बनाना सीख रहे हैं, इसके साथ हम CSS भी इम्प्लीमेंट करेंगे आगे प्रोग्राम में। अभी तक यहाँ तक आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा, तो गाइज आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, यहाँ तक आप इसको रीच दोगे वहाँ तक उन स्टूडेंट्स को मेरे वीडियो से HTML प्रोग्रामिंग की नॉलेज इंप्रूव करने का चांस मिलेगा। तो हमने इसको सेव कर दिया है, अब हम इस फाइल को सेव करने के बाद ओपन करेंगे फॉर द लोकेशंस, वेब ब्राउजर ओपन किया हमने, कंट्रोल ओ, सेलेक्ट योर लोकेशंस वेयर यू हैव सेव दिस फाइल डेफिनेशन लिस्ट। Let's see what happened. See, this is the definition list. आपको दिख रहा होगा एडवांटेज ऑफ द इंटरनेट इज द मेन हेडिंग, नाउ दिस इज द मेन डेफिनेशन टर्म एंड दिस इज द मीनिंग, सेम एज सेकेंड दिस इज द मीनिंग, थर्ड दिस इज द मीनिंग, फोर्थ दिस इज द मीनिंग, फिफ्थ दिस इज द मीनिंग, सेम एज सिक्स। यू कैन क्रिएट ऑल्सो एज अ हेडिंग ऑल्सो, आप उसको हेडिंग इधर क्रिएट कर सकते हो। हाउ यू विल डिफाइन एज अ हेडिंग, तो यू विल टेक द हेडिंग टैग बिफोर इट, देख सकते हो आप। लाइक मैं इसको H3 कर देता हूँ, इसको हमें यहाँ क्लोज भी करना पड़ेगा। H3 ये हमारा मीडियम टाइप का हेडिंग है। नेक्स्ट हेडिंग H3, मैं आपको कुछ भी चेंज करके दिखा रहा हूँ, सेम एज आपको बाकी समझ में आ जाएगा अगर हम इसको एज अ हेडिंग लिख के चलते हैं। अगेन सेव योर फाइल, सेव इट नाउ, गो ऑन योर वेब पेज, रीलोड इट। सी आपका अब ये पॉइंट हेडिंग में चेंज हो गया, आपको दिख रहा होगा थ्री हमने H3 हमने पॉइंट यूज किए हुए हैं। ओके थोड़ा ऐसा लग रहा है, तो हमने जो ग्रे कलर लिया है बैकग्राउंड का उसी की वजह से हमें पेज थोड़ा डल लग रहा है। ओके हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, सेम एज द नेक्स्ट 2, 3 के लिए भी हम हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं अगर हमें रिक्वायर्ड है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं हम इसका। कलर हमारा ग्रे की जगह हम कर लेते हैं लाइक येलो कलर इज देयर, रिफ्रेश दिस। ओके अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं गाइस अगली वीडियो की, वो हम अगली वीडियो उससे पहले बनाएंगे, तो आपको डेफिनेशन जिस समझ में आ गया होगा। हम इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो टाइम, नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा इमेजेस के ऊपर। ओके प्लीज़ वॉच माई चैनल रेगुलरली, लाइक एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा रेगुलर वीडियोस अपडेट्स के लिए। जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा स्क्रीन पर, जब भी आप यूट्यूब ओपन करोगे। थैंक यू एवरीवन फॉर दिस वीडियो नाउ।